हेलो वेलकम गाइस, वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके इस चैनल पे। फ्रेंड्स फ्रेंड आज के इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड इसमें जो है कि हम 16 mm जो हमारा सेलिंग फैन होता है, यानी कि फ्रेंड उसका जो हम वाइंडिंग डाटा देने वाले काफ़ी मोटा है, ज़्यादा उसकी होती है फ्रेंड, उसके जो कि वाइंडिंग डाटा हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड वीडियो में आखिर तक एंड तक बने रहिए, तो वीडियो में ज़्यादा बात ना करते फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड अगर आपने हमारे YouTube चैनल हैप्पी इलेक्ट्रो बाय विजय को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं फ्रेंड, जिससे कि हम आपकी और अच्छे अच्छे नए वीडियो बना सके फ्रेंड। साथ में कमेंट जरूर करें फ्रेंड, आप कमेंट नहीं किया करते फ्रेंड, कमेंट करने से फ्रेंड जो है कि हमें पता चलता है कि आपको किस प्रकार का जो है कि वीडियो ज़्यादा चाहिए फ्रेंड, किस प्रकार का हम वीडियो किस टॉपिक पर वीडियो बनाए फ्रेंड। ताए फ्रेंड वीडियो में ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए फ्रेंड हम वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वेलकम फ्रेंड्स, फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं कि यह सीलिंग फैन है जो कि इसकी काफ़ी ज़्यादा मोटाई यहाँ पे है फ्रेंड। फ्रेंड तो इसको वर्नियर से जो इसको फिर नापते हैं फ्रेंड, हमारे पास जो कि यहाँ पे डिजिटल वर्नियर है फ्रेंड, जिससे कि हम यहाँ पे सब कुछ नाप सकते हैं। उससे पहले फ्रेंड नापने से हम यहाँ पे जो कि स्लॉट वगैरह उसके जो कि टर्न वगैरह गन लेते फ्रेंड। फ्रेंड तो यहाँ पे इसमें जो कि 14 स्लॉट का फैन है, यानी 14+14 का यहाँ पे सीलिंग फैन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड यहाँ पे इस प्रकार से फ्रेंड जो कि आपको पूरा सीलिंग फैन की जो कि सारी स्टिम्पिंग वगैरह गिन लेना फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड जो कि हम इसकी मोटाई वगैरह यहाँ से निकाल लेते हैं फ्रेंड, इसकी मोटाई कितनी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो 16.2 mm की फ्रेंड हमारी ये बता रहा है फ्रेंड्स, हमारे पास ये डिजिटल में है फ्रेंड। तो यहाँ पे इस प्रकार से तो फ्रेंड हमने स्टार्टिंग के लिए इसमें जो है कि फ्रेंड यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं, आइए फिर हम मशीन को ऑन करते हैं। फिर हम इसमें स्टार्टिंग जो टर्न जो डालने वाले वो डालने वाले फ्रेंड 350 पे की फ्रेंड मैंने मशीन में अभी यहाँ पे सेट किया था फ्रेंड्स। इससे पहले भी फ्रेंड जो है मैंने एक पंखा वाइंडिंग किया है और काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस रही है, इसलिए फ्रेंड मैं इसका डाटा आपके साथ शेयर करता हूँ फ्रेंड। जिस पहले मैं फ्रेंड जो कि डाटा अपना खुद के ऊपर ट्राई करता हूँ फ्रेंड, अगर वो परफेक्ट डाटा निकलता है तभी वो उस डाटा को फ्रेंड जो कि मैं शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड आइए फिर हम मशीन की जो फटाफट से यहाँ पर डाई वगैरह चेंज कर लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पे उसके बाद में हम यहाँ पे 35 नंबर कॉपर वायर इसमें यूज़ करने वाले फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है कि आप मशीन की एकदम सेटिंग देख सकते हैं, हमने वायर को यहाँ से यहाँ पास किया है, उसके बाद में फ्रेंड हमने जो है कि वायर को यहाँ से निकाल लिया है फ्रेंड्स। वायर निकालने के बाद में फ्रेंड से जो है कि आइए फ्रेंड इसको जो है कि हम सीलिंग फैन में इसको इंस्टॉलमेंट करते हैं फ्रेंड। सीलिंग फैन में फ्रेंड कॉमन वायर किस प्रकार से निकाला जाता है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है फ्रेंड, ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा फ्रेंड, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। हमने काफ़ी बेहतरीन और अच्छी तरीके से बताया फ्रेंड कि कॉमन वायर जो कि किस प्रकार से निकाला जाता है फ्रेंड, किस प्रकार से कॉमन वायर जो है कि फ्रेंड बनाया जाता है। तो आई फ्रेंड जो कि सबसे पहले फ्रेंड इसमें 350 हम स्टार्टिंग में इसमें इंस्टॉल करते हैं फ्रेंड। फिर साथ साथ में मशीन की फिनिशिंग भी बताया फ्रेंड, हमारी फिनिशिंग भी देखना है फिर हमारी मशीन किस प्रकार से फिनिशिंग निकालती है, साथ में इसमें पावर ब्रेक वगैरह दिया गया है। मशीन का भी कंप्लीट वीडियो फ्रेंड हमने पहले ही बना दिया है कि मशीन किस प्रकार परफॉर्मेंस करती है, उसका लिंक भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो फ्रेंड। तो फ्रेंड जो कि हमारा वहाँ पहला नंबर का जो कोयल ग्रुप है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो पहले फ्रेंड जो हल्का सा हम कोयल को ढीला करेंगे फ्रेंड, उसके बाद में फ्रेंड जो पंखे को बाहर निकाल कर इसको फ्रेंड जो कि ऊपर की ओर लगाएंगे फ्रेंड। तो इस प्रकार से फ्रेंड जो कि आप पंखे को यहाँ पे इंस्टॉल करना फ्रेंड। स्टार्टिंग में फ्रेंड जो कि हम इसमें टर्न जो डाल रहे हैं फ्रेंड वो हम डाल रहे हैं 350 टर्न, ये रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों में ऑटोमेटिक चलती है फ्रेंड, सिर्फ आपको बटन को ऑन और ऑफ यानी कि पुश करना रहता है फ्रेंड। इसमें हमारे पास जो कि मशीन की पूरी कंप्लीट डिटेल जो फ्रेंड इसकी वीडियो हम बना चुके हैं, मशीन के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करने वाले, हमें सिर्फ डाटा के भी हम सीखने वाले फ्रेंड कि जब हम परफेक्ट डाटा क्या डालें। ये काफ़ी पंखों में मैंने ये डाटा यूज़ किया फ्रेंड, उसके बाद में मैं इसका डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो कि दूसरे नंबर की कोयल हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, उसके बाद में तीसरे नंबर की फ्रेंड जो है कि हम इसमें कोयल इंस्टॉल करने वाले फ्रेंड। साथ साथ में फ्रेंड जो कि बैकग्राउंड में आपको एक्स्ट्रा जो आवाज़ जो सुनने को मिल रही है फ्रेंड, तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रखी है फ्रेंड, जिसके कारण फ्रेंड जो है कि आपको जो कि दिक्कत आ सकती है फ्रेंड, थोड़ा एडजस्ट करें फ्रेंड, थोड़ा सा जो है कि यहाँ फोकस करें फ्रेंड, उसके लिए रियली सो सॉरी फ्रेंड। तो फ्रेंड जो कि हम स्टार्टिंग का जो है कि हमारा तीसरा कोई जो चौथी कोयल है फ्रेंड वो भी हमारी इंस्टॉल हो चुकी है फ्रेंड। इसमें जो है कि आपको डाटा जो है कि 350 स्टार्टिंग के लिए हमने इसमें यूज़ किए फ्रेंड। साथ साथ में फ्रेंड हम वीडियो में बने रही हैं, हम आपके साथ रनिंग का भी डाटा शेयर करने वाले हैं फ्रेंड कि हमने रनिंग में कौन सा डाटा डाला है फ्रेंड। फ्रेंड ये हमारे स्टार्टिंग के जो है कि सेकंड नंबर के यानी कि जो हमारे 13वें नंबर के जो ग्रुप है फ्रेंड वो हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं फ्रेंड। डाटा आप देख सकते हैं फ्रेंड, इसमें हमने 350 ही इंस्टॉल कर रहे हैं फ्रेंड।
डाटा जो है इसमें फिर जो है कि आपको सही से डालना, क्योंकि इसका मैग्नेट जो है कि फिर काफ़ी ज़्यादा मोटा है, मैग्नेट की जो मोटाई है फिर वो ज़्यादा है। फुल इसके मैग्नेट है फिर जो है कि 6-7 सूत के समथिंग, इसकी 6-7 सूत के समथिंग फिर इसका स्टैंपिंग है। तो फिर जो है कि इस प्रकार से फिर जो है कि हमारी स्टार्टिंग एकदम कंप्लीट हो जाती है। उसमें साथ में कलर पेपर वगैरह सब कुछ हमने इसमें लगा दिया है। फटाफट से फ्रेंड जो कि हम रनिंग बाइंडिंग भी कर लेते हैं, उसके ऊपर ऊपर के जो कि हम पेपर वगैरह है फ्रेंड वो हम इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं। फ्रेंड सभी पेपरों को आपको अच्छी तरीके से इंस्टॉल करना है। तो फ्रेंड इस प्रकार देख सकते हैं कि हमने ऊपर के जो पेपर है सारे इसमें इंस्टॉल कर लिए। तो फ्रेंड जो कि हम मशीन को ऑन करते हैं। फ्रेंड अब यहाँ पर जो कि हमें टर्न जो है फ्रेंड वो बढ़ाना है। तो फ्रेंड देखिए हम जो कि यहाँ पर जो टर्न इसमें जो कि हमारे पास जो कि रिवर्स और काउंटिंग मीटर जो कि कम ज़्यादा करने का, यहाँ पे फ्रेंड जो कि हम टर्न इसमें बढ़ा रहे हैं, यानी कि हम इसमें 370 टर्न यहाँ पे हम जो डालने वाले हैं। फ्रेंड यहाँ पे जो कि हमारे लीड वगैरह निकले था इसमें भी हम जो है कि हम डाई वगैरह हम इसमें चेंज कर लेते हैं फ्रेंड, क्योंकि इसमें डाई हमने मोटी लगानी। तो फ्रेंड जो है कि हमने ऊपर की जो डाई इसमें सेट कर ली रनिंग वाइंडिंग के लिए। तो फिर यहाँ पे लीडो वगैरह के जो आपको पहले ही बताया फ्रेंड कहाँ से आपको इसको भरना चालू करना है, यानी कि जो पहली अपने स्टार्टिंग की थी उसकी जहाँ पे आप कलर पेपर मैग्नेट पेपर लगाते हैं वहाँ से उठाना है। इससे आपको फिर जो कॉमन वायर निकालने में दिक्कत नहीं आती है। कॉमन वायर वगैरह अगर वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है फ्रेंड, वहाँ जाके आप वीडियो एक बार ज़रूर देखना फ्रेंड, जिससे कि आपको कॉमन वायर बनाना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। फ्रेंड यहाँ पर रनिंग बाइंडिंग के लिए फिर जो है कि हम फटाफट से रनिंग के भी बाइंडिंग कर लेते हैं। फिर साथ में देख सकते हैं कि इसमें जो कि 35 नंबर से 70 टन हम इसमें डाल रहे हैं। फिर उसके बाद भी हमारी जो मशीन है एक भी वायर स्लॉट से बाहर नहीं निकाल रही है। फिर मशीन की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है फ्रेंड, काफ़ी अच्छे तरीके से फ्रेंड जो है कि हमें यह मशीन लगे। फिर जो है कि मशीन जो है कि प्राइस भी इसकी ज़्यादा नहीं है। फिर इसकी प्राइस जो है कि इसका मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी ऑनलाइन रेटिंग भी डाल दूँगा, फिर वहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं। फिर तो फिर इस प्रकार से फिर जो है कि हमारे जो है कि रनिंग और स्टार्टिंग दोनों एकदम बनकर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे जो है कि हमने इसमें कॉमन वायर बना लिया। फिर कॉमन वायर का वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। फिर साथ साथ में इसकी हम फटाफट से जो है कि फिटिंग वगैरह इसमें कर लेते हैं। फिर आपको फिटिंग वगैरह करना है फिर उसके साथ में जैसे हमारी मैगनेट एकदम फिक्स है। फिर अगर आपकी मैगनेट सही रहेगी तो आपका पंखा जो एकदम फ्री घूमने वाला है। मैग्नेट की सेटिंग किस प्रकार से की जाती है वो फ्रेंड हम अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड तो फ्रेंड देख सकते हैं हमारी मैग्नेट एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे फिट हो चुकी है। मैग्नेट को सही डायरेक्शन में फिट करना। फ्रेंड उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं इसकी कुछ डिटेल वगैरह दी गई है। रवि का जो कि हमारा सीलिंग फैन है। फ्रेंड ये 85 वाट का है फ्रेंड, यानी कि 1 HP का ये सीलिंग फैन है। इसमें 1 HP के बराबर यानी कि हमारा टुल्लू पंप के बराबर फ्रेंड इसके में पावर इंक्रीज़ होती है। 220 या 230 वोल्टेज पे फ्रेंड ये वर्क करता है। फ्रेंड यहाँ पे 85 वाट का फ्रेंड यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड, जो कि आप देख सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे कोड वगैरह दिया हुआ है, इसकी गारंटी वगैरह निकल गई है। फ्रेंड ये जो कि प्राइवेट इंडियन कंपनी इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। फ्रेंड यहाँ पे जो हमने कनेक्शन वगैरह वो लगा दिए या फिर हमारा ब्लू वायर जो हमने ऊपर लगाया है, ब्लैक वायर को सेंटर में लगाना है और रेड वायर जो है कि फ्रेंड हमें नीचे की ओर इंस्टॉल करना है। इस प्रकार से फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम हमारा कंप्लीट जो हो चुका है। आई फ्रेंड हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। फ्रेंड इसकी स्पीड जो है कि वो कैसी रहने वाली है, इसकी स्पीड वगैरह हम आपको दिखा देते हैं। फ्रेंड तो इस प्रकार से आपको सीरीज लैंप की जो आ रही है, फ्रेंड सीरीज में भी हमारा फैन चल रहा है और काफ़ी बेहतरीन फ्रेंड इसकी स्पीड आने वाली है, काफ़ी अच्छी। वीडियो में फ्रेंड आपको जो है कि ऐसा लग रहा है कि वीडियो में स्पीड ज़्यादा होती है फ्रेंड, क्योंकि वीडियो में वैसे ही पता नहीं चलता है। लेकिन फ्रेंड जो कि आप ये डाटा इसमें डालिए एकदम आपका जो कि पंखा काफ़ी अच्छे तरीके से घूमेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड इसी प्रकार से फ्रेंड जो हमारा दिए गए डाटा को यूज़ कीजिए फ्रेंड। ओके फ्रेंड तो हमारी वीडियो कैसी लगी साथ में कमेंट जरूर करें। फ्रेंड अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड। ओके फ्रेंड मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स बाय।